Hello friends, welcome to the Attitude Academy. Today we are discussing about the inventory master, like items, units, groups, etc. and etc. So let's we start the class. First of all open the tally. सबसे पहले आप tally open कर लीजिए. उसके बाद आप क्या करेंगे, inventory बनाने के लिए आपको जाना है inventory info. inventory info में हमारे पास इन्वेंट्री मास्टर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, लाइक एक्सेट्रा आइटम्स वगैरह होते हैं, यूनिट्स होती हैं, गोडाउंस होते हैं. देखिए इस तरह से होता है. सबसे पहले हमें क्रिएट करनी है अपनी यूनिट. यहाँ पे क्रिएट यूनिट. यूनिट जस्ट लाइक आप एप्पल खरीदते हैं, तो एप्पल खरीदते हैं तो किस में खरीदेंगे आप, केजी में खरीदेंगे. कि तो केजी क्या है, उसकी एक यूनिट है. अगर आपको ज़्यादा एप्पल चाहिए तो केजी में खरीदेंगे, अगर कम चाहिए तो आप ग्राम में उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ग्राम क्या है, उसकी एक मेजरमेंट यूनिट है. इस तरह से अगर आप क्लोथ खरीदते हैं यानी कपड़ा, तो आप मीटर में खरीदेंगे. ठीक है, अगर आप कोई लिक्विड खरीदते हैं तो आप लीटर में खरीदेंगे, जस्ट लाइक फ्यूल आपका. ठीक है, मेडिसिन खरीदते हैं तो लाइक टैबलेट, कितनी टैबलेट खरीदनी है, 5, 10, 15, उस तरह से आप हिसाब लगाते हैं. तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होती है वो हमारी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे यूनिट. जस्ट लाइक केजी सिंबल्स में फॉर्मल नेम, इसका पूरा नाम, किलोग्राम. डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद आपको कितने प्लेस तक कैलकुलेशन करनी है. तो नॉर्मली इंडियन सिस्टम में हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक काउंट करते हैं, तो 2 डेसिमल यहाँ पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे, एक यूनिट हमारी क्रिएट हो जाएगी. दूसरी यूनिट बना लेते हैं ग्राम, जस्ट लाइक दिस. जी फॉर सिंबल, फॉर्मल नेम ग्राम, डेसिमल 2 प्लेस तक. उसके बाद हम नंबर्स में काउंट करने के लिए पीसीस, यहां पे तो डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीस हमारा पूरा एक पीस आएगा. ठीक है, उसके बाद लीटर, जस्ट लाइक लीटर में काउंट करेंगे अगर कोई चीज़ हम, तो यहाँ पे बना लेंगे. इस तरह से हमें यूनिट्स बनानी है. अगर आप देखना चाहें तो डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, हमने ये 4 यूनिट्स बनाई हैं, तो चारों यूनिट्स हमारी यहाँ पे शो हो रही होंगी. अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप अल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं. लाइक मुझे किलोग्राम में कोई चेंजेस करना था, या पीसीज में, या लीटर में, जिसमें भी आपको चेंजेस करना है. और अगर डिलीट करनी है तो यहीं पर आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, देन एंटर करेंगे तो डिलीट हो जाएगी. देखिए अब यहाँ पे 3 बची है, लीटर वाली हमारी यूनिट डिलीट हो चुकी है यहाँ से. ठीक है, उसके बाद एस्केप करके आएंगे स्टॉक ग्रुप. स्टॉक ग्रुप मतलब किस चीज़ से रिलेटेड आप ग्रुप वाइज बना रहे हैं. लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एक ग्रुप है, या फिर आप फर्नीचर्स ले सकते हैं. फर्नीचर में जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, ये सब आपका फर्नीचर से रिलेटेड ग्रुप है. या फिर जस्ट लाइक आप सोनी से रिलेटेड, कंपनी नेम है सोनी, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, लाइक टीवी खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, सोनी सिस्टम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं सोनी का. तो सोनी अंडर में प्राइमरी देन सेव. ठीक है, एक ग्रुप बना लिया मैंने LG, देन सेव. ठीक है, 2 ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट किए. डिस्प्ले में आप जाके चेक कर सकते हैं, 2 ग्रुप यहाँ पे आपके शो हो रहे होंगे. ठीक है, इनको आप चेंज करना चाहें तो अल्टर में जाके चेंज या डिलीट कर सकते हैं. सोनी पे जाने के बाद ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है, 2 चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं. एक हमारी यूनिट क्रिएट हो गई है, यहाँ से हमने यूनिट क्रिएट की है, देन हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है. ठीक है, अब हमें क्रिएट करना है स्टॉक आइटम्स. स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक आइटम्स पे जाना है. सिंगल और मल्टीपल आप दोनों तरह के स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, यानी स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं. सिंगल स्टॉक आइटम्स में आपको क्रिएट करना है सिंगल सिंगल लेज़र. अगर आपको मतलब जैसे लेज़र का हिसाब था वैसे ही सेम आइटम का हिसाब है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टीवी खरीदा है, टीवी अब कौन सी कंपनी का है वो यहाँ से मैं डिफाइन करूँगा, LG का या सैमसंग या सोनी या जिसका भी है. मैंने कहा सोनी का है. अब टीवी को काउंट किस में करेंगे, हम पीसीज में करेंगे, तो यहाँ पे पीसीज डालना है. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास इसका कुछ है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे. ठीक है, जैसे जस्ट लाइक CD, अब CD कौन सी कंपनी की है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, पीसीज देन सेव. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल खरीदना है तो एप्पल. ठीक है, एप्पल की अब कोई कंपनी नहीं होती तो हम प्राइमरी यहाँ पे रख सकते हैं. ठीक है, एप्पल किस में खरीदेंगे, किलोग्राम में, देन से. ठीक है, या और कुछ ले सकते हैं आप, जैसे फ्यूल,
फ्यूल किस में खरीदेंगे आप? लीटर में खरीदेंगे। अब यहाँ पे लीटर हमारी बनी हुई नहीं है तो वापस जाके हमें बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम यहीं पे क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट सी करके। सेकेंडरी क्रिएशन की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है हमारी, ऑल्ट सी LTR आपने क्रिएट किया, फॉर्मल नेम लेटर डाला इसका, डेसिमल टू प्लेस तक रखा, देन सेव। यहाँ पे हमारी ये यूनिट क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे आइटम्स क्रिएट हो गए। आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिस्प्ले में जाके कितने आइटम्स हमने क्रिएट किए। ये सारे आइटम्स हमारे यहाँ पे बने हुए होंगे, ठीक है। अल्टर में आप इन्हें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेलिंग गलत डाल दी है, या फिर अंडर ग्रुप गलत डाला है आपने, या जो भी है आप यहाँ से इसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसको करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, या फिर अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहीं पे आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद आप आ जाएंगे, अगर आप आपको गोडाउन्स मेंटेन करने, तो गोडाउन्स मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री में एक ऑप्शन आता है नीचे गोडाउन मेंटेन का, वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने फीचर्स का एक्टिवेट नहीं किया है। तो एक्टिवेट करने के लिए F12 प्रेस करेंगे आप, F11 में F2 आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आता है आपका इन्वेंट्री फीचर F2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वेंट्री फीचर्स आपका ओपन हो जाएगा। इन्वेंट्री फीचर्स ओपन होने के बाद आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन आएगा। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को आपको यस करना है, ठीक है। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन आपने यस किया, देन आप इसे सेव करेंगे। बैच वाइज डिटेल आपको बनानी है तो आप यहाँ पे बैच वाइज डिटेल को भी यस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम गोडाउन की बात करें तो गोडाउन ही रहने देंगे। इसको एक्सेप्ट कराएंगे, सेव कर देंगे। तो इसको सेव करने के बाद यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आ जाएगा इन्वेंट्री इन्फो पे, गोडाउन्स। गोडाउन्स में आपको जाना है, ठीक है। गोडाउन्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे जस्ट लाइक मेरे पास तीन गोडाउन है, एक दिल्ली गोडाउन है, तो दिल्ली गोडाउन, ठीक है। दिल्ली गोडाउन बनाने के बाद इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे लिखा है, एक और गोडाउन बना लेते हैं पहले, गोवा गोडाउन, अंडर प्राइमरी रहने देंगे। अवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी का मतलब है हमारा स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के पास है तो वो यहाँ पे हम यस कर सकते हैं। मतलब ये जो गोडाउन है जैसे गोवा, ये किसी और पार्टी का गोडाउन है और वो हमारे माल को रखने के लिए जिम्मेदारी लेता है, तो इसको हम यहाँ पे यस कर सकते हैं अवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी को। या फिर अगर किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक हमारे पास है, हम उसे रखने के लिए जगह प्रोवाइड करा रहे, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी स्टॉक भी दस हम यहाँ रख सकते हैं। अभी हमें रिक्वायर नहीं है क्योंकि दोनों हमारे ही गोडाउन है, तो इसलिए हम इसे नो रखते हैं। एक और गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं, पुणे गोडाउन बना लिया, ठीक है। इसको भी हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमारे तीन गोडाउन क्रिएट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं डिस्प्ले पे जाके, ये तीन गोडाउन हमारे पास हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम इनको अल्टर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गोडाउन से रिलेटेड बात हो गई। तो हमने आज सीखा इन्वेंट्री वाउचर्स में सबसे पहले स्टॉक हमने सीखा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे बनाते हैं। ये सारी यूनिट्स हमने बनाई, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, पीसीज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देन हमने सीखा कि कंपनी ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी में जाके हमने दो ग्रुप बनाए, एक LG एक सोनी, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट द स्टॉक आइटम्स। देन हमने यहाँ पे तीन चार स्टॉक आइटम्स अपने क्रिएट किए। ये हमारे पास स्टॉक्स में आइटम्स हमने खरीदने या बेचने, जो भी हमें करना है, एनीथिंग एज, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने गोडाउन्स यस किया। गोडाउन यस करने के लिए मैंने आपको बताया F11 F2 में आप इन्वेंटरी फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, ये वाला जो ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको यस करना है आपको। देन आपको इसको एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपका ये ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा गोडाउन, और यहाँ पे आपको जो भी आपके गोडाउन्स जहाँ पे भी आप अपना मटेरियल स्टोर करते हैं, बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन बना हुआ होता है, बाकी सारे आपको गोडाउन्स यहाँ पे अपने
क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे दिल्ली गोडाउन है किसी का, गोवा है, पुणे है, इस तरह से हमें गोडाउन क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हमें इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करनी है और कैसे उसको डिलीट करनी है और कैसे मेंटेन करना है, गोडाउन कैसे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, उनको कैसे मेंटेन करना है। अगली क्लास में हम सीखेंगे परचेज और सेल रिटर्न्स की एंट्रियाँ, परचेज कैसे करना है, परचेज रिटर्न कैसे करना है, सेल की एंट्री कैसे पास करनी है और सेल रिटर्न की, मतलब इनवॉइस से रिलेटेड हम सारा काम उसमें सीखेंगे। अभी तक के लिए हमारी इन्वेंट्री तैयार हो गई है, प्रिपेयर रहे, हमारे साथ बने रहे। आशा करते हैं कि आने वाली क्लासेस में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।